महाराष्ट्र के सातारा जिले के माया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले को भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने भारत में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। सोमवार को इसी अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले के पुतले पर पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। भारत में अंग्रेजों के राज में किसी के लिए भी अपने हक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। जब बात हो लड़कियों के शिक्षा की तो समाज ही इससे ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि एक महिला थी जिन्होंने इसके लिए कदम उठाए और भारत की पहली महिला शिक्षिका बन स्कूल खोले ताकि बिना किसी भी तरह के भेदभाव के बच्चे पढ़ाई कर सके। वो कोई और नहीं, भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। सोमवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले को पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे।